सर्वप्रथम ग्राम पिंडरी की धरती को सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय जिनके सानिध्य में हम लोगों ने समाज को जाना है, समाज और सामाजिक चिंतन, इतिहास, संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे जो भी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो हम लोगों को, हम आदिवासियों को, हम गोंडी जनों को औरों से भिन्न और विशेष बनाती है, ऐसे जन जागृति लाने वाले दादा प्रेम शाह मरावी जी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। हम सबके मार्गदर्शक जिनसे हमने संघर्ष सीखा है, जिनसे हमने जाना है कि समाज के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है और कैसे समाज और समाज के अधिकारों के लिए और समाज के साथ यदि कभी अन्याय होता है, कभी शोषण होता है, उनके हक अधिकारों के साथ यदि छल होता है तो कैसे आवाज़ बुलंद की जाती है। परम आदरणीय दादा अमन सिंह पोर्ते जी, हरेन मार्को जी, यहाँ के जितने भी जनमानस हैं, मातृशक्ति, पितृशक्ति और मेरे युवा साथी, साथ ही मेरी बहन संगीता मरावी जी, उनको भी मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ, जो निरंतर कई वर्षों से हमेशा इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित करती थी, परंतु मैं पढ़ाई के दौरान जब भोपाल में था तो अब आ नहीं पाता था, परंतु आज इस पावन क्रांतिकारी और गोंडवाना भूमि नहीं समस्त विश्व में और बहुत से जगह जो गोंडवाना को जन जन तक पहुंचाने वाले दादा प्रेम शाह मरावी जी की जन्मभूमि है, ऐसे जन्मभूमि में आकर आप सभी से आज रूबरू होने का मौका मिला है और इस आज जो पावन उत्सव है, महासम्मेलन है, कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन संस्कृति साहित्य वार्षिक जो महासम्मेलन है, इसमें आए हुए मेरे सभी माता शक्ति पितृ शक्ति आप सभी को मैं पुनः सेवा जोहार करता हूँ। बहुत से वक्ता आए हैं और बहुत से जो हमारे मार्गदर्शक हैं, बहुत से हमारे जो संस्कृति और हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे जो जन जागरूकता, हमारी जो पिछले कई सालों से समाज के लिए गोंडवाना के जो राज है या फिर गोंडवाना के जो शासन है, उनके जो व्यवस्था है, उनकी संस्कृति है, उनको बचाने के लिए अपने जो संघर्ष है, उन संघर्षों में उनने जो क्या किया है, कैसे कैसे पल देखे हैं, कैसे कैसे वक्त देखे हैं, क्या किया है, इन सबको आप लोगों को अवगत कराया है और निश्चित ही उन सबका संघर्ष है कि आज आप हम सब इस आज इस पावन दिन में, इस पावन धरती में आज आप लोग सब लोग पीले गमछे के साथ एक क्रांतिकारी सोच और इतने भरे ठंड में, इतने बड़ी रात में आप लोग आज एक साथ बैठ के समाज के लिए चिंतन कर रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं और जो एकता दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। इन सब के जो एक दूरदृष्टा थे, भविष्य दृष्टा से और गोंडवाना के जो मिसाल कहें या गोंडवाना के आधार स्तंभ कहें, दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी और वो शुरुआत सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं थी। साथियों, जब गोंडवाना समग्र आंदोलन, जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जो भी जितने भी मान्य मूल्यों के क्षेत्र हैं उन पे उन्होंने फोकस किया था और उन्होंने एक बहुत ही उस समय में एक दूरदृष्टितापूर्ण विचार रख के, एक चिंतनशील विचार रख के, भविष्य को सोचते हुए कि हमारा समाज आने वाले समय में 10 साल बाद, 5 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद या 35 साल बाद या उसके और आगे साल बाद क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ताकि उसके साथ अन्याय ना हो सके, उसके साथ शोषण ना हो सके। परिस्थितियां उस जमाने में बहुत विपरीत रही होंगी। उस जमाने में उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया था, दादा प्रेम शाह मरावी उनके साथ कदम से कदम मिला के चले थे और उन अपना अपना क्षेत्र था, दादा गाने और फिर संगीत और बहुत सारे इतिहास के बारे में बता के जन जागरूकता फैलाते थे और हीरा दादा हमेशा
अधिकारों के बारे में बात करते थे, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, संवैधानिक हो, और इन सब मिलके जो एक बहुत ही मजबूत जो एक बॉन्ड बनता था, बहुत ही एक मजबूती के साथ जो सामने उभर के आता था, उस आंदोलन का नाम था गोंडवाना आंदोलन, गोंडवाना सपग्र क्रांति आंदोलन, जो आज आप लोग देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत देश में आज पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। और आप सब इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के हिस्सेदार हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। साथियों, पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि शिक्षा का कितना महत्व है। गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की जब स्थापना हुई थी तो गोटुल, पहले भी हमारे जो गोटुल चलते थे, जो हमारे जो शिक्षा व्यवस्था होती थी, जहां हमारे युवा साथी पढ़ाई करते थे, सीखते थे, अपने स्किल को डेवलप करते थे, ऐसे लोग जो थे, और उसी की परिकल्पना को पुनः जागृत करते हुए दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो गोटुल की व्यवस्था की थी, ऐसे गोटुल की परंपरा को आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। और सिर्फ गोटुल ही नहीं, आप लोगों को अपने घर में जो क्षेत्र में जो गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं उन और जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं, जो जॉब वाले हैं, जो कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ धंधा पानी कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। और अपने आने वाली पीढ़ी को, चाहे पहली से पांचवी हो या आठवीं से बारहवीं हो, आपको जितना आपकी क्षमता है आप अपने हिसाब से पढ़ाई कराएं, ताकि आने वाले समय में शिक्षा का महत्व बढ़ जाए और शिक्षा के महत्व को हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो समझे। कारण की शैक्षणिक तौर पर आप लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। जैसे हमारे परम आदरणीय हरेंद्र मार्को जी भैया ने बताया कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा के कारण ही आप लोग अपने अधिकारों को समझ सकते हैं। हमारे लोग पहले स्कूल नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, उन्होंने अधिकारों को नहीं जाना, पर आज की स्थिति ये है, जब से हमारे लोग शैक्षिक तौर पे मजबूत हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं, आज अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, और डंके की चोट पे आज चाहे कहीं पे भी हो, देश में हो, प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भोपाल में हो, आज अपनी आवाज बुलंद करते हैं, ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन की देन है। और आगे भी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आप लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है, और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। दादा हीरा मरकाम जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी विचारधारा है, उनका जो आंदोलन है, उनकी जो सोच है, और उनने जो नींव रखी गई है, उनने जो एक क्रांति की ज्वाला जला की गई है, वो आप हम सबको प्रेरित करती है कि आगे समाज के लिए, देश के लिए, और राष्ट्र निर्माण और समाज में जो समानता स्थापित करने के लिए आप सबको कहते आंदोलन करना पड़ेगा। जैसा कि हरेंद्र मार्को भैया ने बताया था कि हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, नशा। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोगों को मजाक लगेगा, पर मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ और एक रिसर्च की बात मैं कह रहा हूँ कि 2013-14 का जो आंकड़ा था डिंडौरी जिले का, अकेले डिंडौरी जिले के राजश्री का खर्च 7 अरब रुपए था साल का, 7 अरब रुपए। और 7 अरब रुपए में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, फिर भी 50% भी यदि हमारे लोगों का योगदान रहा होगा, आदिवासी समाज का योगदान रहा होगा, तो 3.5 अरब रुपए उसमें हम लोगों ने दिया है। और आप लोग कल्पना करो, राजश्री बनाने वाली कंपनी हमारी तो नहीं है, या हमारे किसी भाई की नहीं है, वो किसकी है, जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति है, जो राजश्री आज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ना हमारी जिंदगी के लिए कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोगों ने वो पैसा किसको दे दिया, एक बिजनेसमैन को। और हम हर घर से एक राजश्री यदि खाते हैं तो कितना पैसा हम दूसरों को दे रहे हैं, और वहीं से हमारी गरीबी की शुरुआत होती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ता है, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति दूर होती है। इसलिए साथियों, जैसे कि हमारे मार्गदर्शक हरेंद्र मार्को जी ने बताया था कि हम सबको इनसे दूर होना पड़ेगा, और हमें आज इस पावन और ये क्रांतिकारी जो आयोजन है, महासम्मेलन है, और कोयो पुनेम का जो नाम है, इसमें आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक बार में ये सब संभव नहीं होगा कि आप जो भी नशा करते उसको छोड़ दे, परंतु आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। आज एक जन छोड़ेगा, आने वाले समय में दूसरा व्यक्ति भी छोड़ेगा, तीसरा छोड़ेगा, ऐसे दिन पूरा आएगा कि पूरे डिंडौरी जिला के लोग, डिंडौरी जिले के सारे आदिवासी यदि जिस दिन नशा पानी छोड़ दे तो आप लोगों का अपना पैसा बचेगा, बचेगा कि नहीं। मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे समाज की बुराई करते हैं,
हमारी समाज की जो कमजोरियां हैं उन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा। साथियों, अग्रवाल समाज का नाम आपने सुना होगा। अग्रवाल समाज में एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि अग्रवाल समाज एक एरिया ऐसा है वहां पे, मैं उधर का नाम लेना नहीं चाहता पर ये हकीकत है, ठीक है ना। उनका 20,000 परिवारों का एक ग्रुप है, 20,000 परिवारों का क्या है, एक संगठन। और यदि 20,000 परिवार में कोई एक परिवार घर बनाता है तो वो लोग 2 ईंट देते हैं या 2 ईंट के पैसे देते हैं। तो 20,000 परिवार के लोग यदि 2 ईंट दे दिए तो कितने हो गए, 40,000 ईंट, और 2,000 रुपए सहयोग देते हैं। तो एक व्यक्ति यदि घर बना रहा है उसको 40,000 ईंट के आपने सहयोग दे दिया और 2,000 रुपए का सहयोग दे दिया तो उसका घर आसानी से बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। और हमारे समाज में क्या होता है, हम लोग कमाते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग कमाते हैं, हमारे राजनीति करने वाले लोग कमाते हैं, धंधा पानी वाले लोग कमाते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में लगा देते हैं। परंतु उन लोगों से हमको सीखना पड़ेगा कि जब उनको बिजनेस करना है, घर बनाना है, तब वो आपसी सहयोग की भावना होती है। ये हमारे समाज में होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। जिस तरीके से दादा मरकाम ने एक पाली चावल और 10 रुपए का जो कॉन्सेप्ट लाया था, जो सिद्धांत लाया था कि इसको हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, एक बीज बैंक तैयार होता, एक पैसे का बैंक तैयार होता, इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, तभी आप लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। और आर्थिक रूप से आप सशक्त बनेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दे पाएंगे। कारण कि जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई परोसी जा रही है, गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, जैसे हरेंद्र भैया ने बताया कि मैं JDS स्कूल से पढ़ा हूँ, हाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर, मेरी 12वीं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दाढ़ीभानपुर से हुई है। परंतु आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है तो हम लोग हमारे बच्चों को सही जगह पढ़ा नहीं पाते। और आगे स्थिति ये होती है कि आप लोग कल्पना करो कि हमारे बच्चा जो 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं है, माउस को पकड़ा नहीं है, वो व्यक्ति दिल्ली, भोपाल, इंदौर के बच्चों के साथ 12वीं के बाद वो कंपटीशन नर्सिंग का एग्जाम देने जाता है ऑनलाइन पेपर, तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय होता होगा, वो उस टाइम का कंपटीशन और फिर उसकी मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी, आप लोग सोचिए। तो इस बारे में आप लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। हमें हमारे समाज के खुद के स्कूल डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम लोग भी हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सके। और ये कोई असंभव काम नहीं है। हमारे आज कम से कम 6 लाख करीब की जनसंख्या होगी डिंडोरी जिले में। एक एक रुपए भी बचाए तो एक दिन का हम 6 लाख रुपए बचा सकते हैं, खुद का बैंक बना सकते हैं। पहले जब दादा मरकाम का गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चालू हुआ था तो गोंडवाना बैंक भी चालू हुआ था, परंतु किसी कारणवश क्या हुआ, अब दादा लोग बताएंगे कि आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। पर अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको उनके जो सिद्धांत है, उनका जो सोच थी, उनकी जो सोच थी कि हम आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अनाज के रूप में, हर मामले में आत्मनिर्भर कैसे बने, एक एक पैसा जोड़ के सब लोग मिल के जो सहकारिता के भाव होती है, बेगार जो आप लोगों के यहाँ चलता है ना, बेरार और बेगार वाला, कि हम लोग जो इकट्ठा करके कोई भी किसी का काम हो, जैसे कि धान एरना हो गया, जोताई करना हो गया, धान कटाई हो गया, लकड़ी बिगार हो गया, तो सब लोग मिलके उनके घर का काम निपटा देते हैं, वैसे हम लोग इसको अब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए करें ताकि हम लोगों की जो गरीबी है वो दूर हो सके। कारण कि ये 21वीं सदी है साथियों, ये अर्थव्यवस्था वाली सदी है। आप घर से निकलते हैं और आपको पैसा लगता है, आप अच्छे एजुकेशन के लिए जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनना है, आपको सोच है, आपकी सोच आज की स्थिति भी है, आपकी सोच पैसे से तय होती है। और ये जो लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं जो आपके बारे में तय करते हैं कि आप क्या सोचोगे, क्या पहनोगे। फेसबुक चलाते हो आप लोग, आप जो सोचते हैं वो फेसबुक में सामने आ जाता है। तो आप लोगों को ये चीज समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब हैं, जैसा अरविंद भैया ने बताया था कि यहाँ आके लोग हरियाणा, पंजाब और इधर अपने दिल्ली के एरिया के जो लोग हैं, आके यहाँ सब्जी उगाते हैं, शिमला मिर्च उगाते हैं। निघौरी भानपुर के पास एक बीजा करके गांव है, वहां से हर दिन एक दिन पिकअप जाती है इलाहाबाद और एक दिन पिकअप जाती है रायपुर, और उसका किराया है 25,000 पिकअप का किराया, और वो लोग क्या पहुंचाते हैं, शिमला मिर्च। यदि वो 25,000 रुपए सिर्फ किराया देते हैं भाड़ा, तो वो लोग कितना कमाते होंगे। हमारी जमीन, हमारा देश, हमारी धरती, हमारा पानी, सब कुछ, पर वो आके कमा रहे हैं। ऐसे ही चीज हमको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कमाएं। नर्मदा जी बाजू में है,
आप सब लोग मिलके, हमारे पास पूंजी की कमी हो रही है परंतु हम सब लोग मिलकर उस पूंजी की कमी को दूर कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि को ध्यान दे सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और कोशिश करें कि आपके समाज के व्यक्ति का यदि कोई दुकान है तो आप लोग वहीं से खरीदारी करें ताकि आपका पैसा आपके समाज में हो। ये दूसरे लोग करते हैं, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े शहरों में जो कॉलोनियां होती हैं उनकी खुद की सोसाइटी होती है, सरकारी सोसाइटी होती है और उनका खुद का दुकान संचालित होता है। 50-50 पैसे बचा के 50,000 परिवार भी यदि 50 पैसे बचाते हैं तो उनका कितना 25,000 रुपए बचता है। तो ऐसे हम लोगों को भी सोच पैदा करनी होगी कि आप हम सब एक परिवार है, आपका पैसा बचेगा तो हमारा पैसा बचेगा और 10,000 आदिवासी एक एक रुपये बचा के 10,000 रुपये एक दिन में बचाएंगे तो ऐसे हम ऐसे करके ही हमारा समाज बनेगा। कारण कि एक एक रुपये की कीमत बहुत होती है। जब आप लोग के पास समस्या आती होगी तो आप लोग समझ सकते हैं साथियों। और जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को करना होगा, आप लोगों को अपने गांव में जो शिक्षित लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी बहुत भी अपने बच्चों को अपने नीचे जो क्लास के लोग हैं उनको पढ़ा सकते हैं तो आप लोग मेहनत करें। हम लोगों ने आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने गांव में रानी दुर्गावती कोचिंग क्लास और लाइब्रेरी एक स्टार्ट किया है इसी साल आदिवासी दिवस से। तो उसमें अभी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नवोदय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बुक्स रखे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारे कमको मोहनिया की बात ना रहे, आगे आप लोग भी पढ़ाएं। हर गांव में आज 12वीं से लेके कॉलेज पढ़े हुए बच्चे हैं। आप लोग मोहल्ला क्लास स्टार्ट करें और एक संगोष्ठी करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको शिक्षा का महत्व समझ सके, वो लोग शिक्षा का महत्व समझ सके और पढ़ने की उनकी कैपेसिटी जनरेट हो सके। कारण कि आने वाला वक्त जब बहुत ही जो कंपटीशन आएगा शैक्षिक तौर पे, हम यदि उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि 2013 के बाद से अभी की स्थिति में आज ये 2023 है, ये इतना बड़ा गैप था कि हमारे इस बीच में हमारे क्षेत्र से कोई भी जॉब वाले नहीं निकले हैं और ये जब गैप हो जाएगा तो ऐसे जब बड़े बड़े गैप होते हैं तो हमारे लोगों के जो हमारे बच्चे हैं उनमें पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं जागता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या और कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग थोड़ा समय निकालें, समय निकाल के जो पहली से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं उनको अपना समय दें, ध्यान दें, तभी हमारा समाज बदलेगा। साथियों ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। समाज ने हमको अपना नाम दिया है, अपना पूरा योगदान दिया है। आज बचपन से लेके जन्म से लेके अभी तक जितना दिया है उसका कर्ज हम तभी उतार सकते हैं कि हम हमारे हिस्से का थोड़ा तन मन धन और थोड़ा समय समाज के नाम अर्पित करें। साथियों मैं अब और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, परंतु मैं चाहूंगा कि आज इस क्रांतिकारी आयोजन जो मेहनत किया गया है आयोजन के लिए और जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, आप लोग सब लोग यहाँ से संकल्पित भाव से आगे बढ़े ताकि समाज निर्माण में जो आज दादा प्रेम शाह मरावी और हमारी बहन संगीता मरावी और जितने भी गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जितने भी सिपाही हैं उन सब की जो मंशा है, उन सब की जो मेहनत है, उन सब का जो 32 से 40 साल का जो संघर्ष है उसको आप लोग आगे बढ़ाएं और उनकी जो परिकल्पना है, उनकी जो सोच है, उनके जो सपने हैं, ये आप सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करें। पुनः आप सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, जय जोहार।